नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए टीजीटी का जो सिलेबस है स्वास्थ्य टॉपिक, आज इसी में हमारा सीरीज 2 लेकर के आई हूँ। और ऑनलाइन क्लास में ये पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे ये ऑफलाइन में डालना पड़ रहा है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज आपके लिए हम स्वास्थ्य कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और ये जो पुराने चले आ रहे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा है पहला ICMR। पहला क्या है ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये देखिए, राष्ट्र का मतलब ये पूरे देश यानी भारत देश में चलाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है ये पूरे विश्व में चलाया जाता है। दोनों बातें याद रखना, राष्ट्र का शब्द जहाँ पे हो यानी वो केवल एक देश में चलाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पर आता है वहाँ पर वो पूरे यानी पूरे विश्व में चलाया जाने वाला कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमारे देश में चलाए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। क्या है ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो होता है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और यह एक सरकारी संगठन है, यानी सरकार के द्वारा चलाया गया संगठन है। इसका मेन उद्देश्य होता है शोध कार्य करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी मेडिकल के संबंधित, यानी दवा से संबंधित, विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित, उनका क्या सॉल्व होगा, उनसे संबंधित क्या दवा होगी, इन सब चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार के शोध करते रहते हैं और उसका हल ढूंढते रहते हैं। ये उद्देश्य होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं FPAI। FPAI यानी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म बनता है इससे संबंधित, उसके बाद इसकी स्थापना क्या है, कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इनका काम क्या। बस चार पॉइंट किसी प्रोग्राम से संबंधित आपको जानना है। ठीक है, तो यहाँ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और यह एक गैर सरकारी, देखिए मुख्यालय का मतलब हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, जहाँ से उस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जहाँ से उसका कंट्रोल किया जाता है, जैसे आप उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्यालय कहते हैं। जैसे अब आपके भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली यानी नई दिल्ली से सारा संचालन किया जाता है, पूरे देश से संबंधित योजनाएं लागू की जाती हैं, ना कानून बनाए जाते हैं, यानी मेन काम जो है राजधानी से किया जाते हैं, उसी तरीके से हेडक्वार्टर से मेन काम किए जाते हैं। तो ये देखिए मुख्यालय इसका FPAI रहा है मुंबई में। अब यहाँ पे देखिए फैमिली प्लानिंग से ही जानेंगे क्या काम इसका करता है, यानी परिवार नियोजन से संबंधित काम करता है, यानी परिवार नियोजन क्या है, यानी हम दो हमारे दो सीमित परिवार की बातें करता है परिवार नियोजन में, और सीमित परिवार कैसे किया जाए, इसके लिए क्या अस्थाई विधियाँ हैं, इसके बारे में जानकारी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। और ये बात मुख्य यहाँ पे याद रखना है, यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है, यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, ये परिवार नियोजन संबंधी जानकारी लोगों को दे सकता है, लोगों को जागरूक करता है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, सीमित परिवार, इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर एक जागरूकता आएगी और उसको जानेंगे ये हमारे लिए कितना उपयोगी है कितना नहीं उपयोगी है, ये सब के बारे में उनको जागरूक किया जाता है। ये गाँव के लोगों को, गाँव में रहने वाले लोगों को, साथ में अर्बन एरियाज में, यानी जो उन ऐसे लोगों को जो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनको इन्फॉर्म करने का काम फैमिली प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना 1949 में किया गया था। काम क्या है, परिवार नियोजन का काम करता है, और सेक्सुअल हेल्थ यानी सेक्स से संबंधित यानी यौन संबंधी जो रोग होते हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, इसके लिए क्या साफ सफाई रखेंगे, ये सब चीज़ें जानकारी या इसके अंदर FPAI के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट VHAI। देखिए वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या है वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी एक गैर सरकारी संगठन है। देखिए एफ पी
VAI और VHAI दोनों गैर सरकारी संगठन है, यानी सरकार के द्वारा इनका नियंत्रण नहीं होता है। गैर सरकारी का मतलब NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नियंत्रण गैर सरकारी संगठन के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा उसमें केवल अनुदान दिए जाते हैं, अनुदान के रूप में धन प्रदान किए जाते हैं, हेल्प प्रदान किए जाते हैं। अब ये हमारा क्या है, गैर सरकारी संगठन है VHAI यानी वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय देखिए FPAI का मुंबई था, जबकि VHAI का मुख्यालय नई दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या नियंत्रण करना, जनसंख्या की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो हमें स्वास्थ्य शिक्षा विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या उत्पन्न होती रहेंगी। इसीलिए VHAI क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करता है, एड्स से संबंधित जानकारी देता है, क्या होता है, कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, कैसा रोग होता है, इसके लिए क्या इलाज है, क्या सावधानी है, क्या प्रिकॉशन है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी VHAI के द्वारा दिए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं एड्स इस VHAI के माध्यम से, कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, अपना जो है हमारा हाइजीन यानी हमारा हेल्थ कितना अच्छा बनाने के लिए कैसे कैसे हमें साफ सफाई रखना है, व्यक्तिगत सफाई, सामाजिक सफाई और सार्वजनिक सफाई जिसको कहते हैं, ये सब हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी VHAI के द्वारा दी जाती है। बीमारी प्रकार की कौन सी बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, संक्रामक बीमारियाँ कौन सी होती हैं, गैर संक्रामक बीमारियाँ कौन सी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाई जाती है, पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके बिना हमारा जीवन कैसे असंभव है, ये सब चीज़ें हमें के बारे में जानकारी VHAI के द्वारा दिए जाते हैं। वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि FPAI की स्थापना 1949 में हुई थी। अब यहाँ पे आते हैं रेड क्रॉस। देखिए रेड क्रॉस भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है और इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में है, और इसकी जो मुख्य स्थापना जो होती है यानी इसका मुख्यालय अगर देखा जाए रेड क्रॉस की अपने भारत में कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में। वैसे इसकी स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, ये वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करता है, क्या करता है, ये वित्तीय सहायता देने का काम करता है। यानी अब वित्तीय सहायता क्या, अनाथालय खोलने के लिए पैसा देना, अस्पताल खुलवाने के लिए, औषधि के वितरण के लिए भी एक अन्य क्या होता है, ये वित्तीय सहायता यानी आर्थिक सहायता देने का काम करता है। इसके साथ साथ क्या है, स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करता है। मानवता यानी मानवता भी सिखाया जाता है कि सेवा धर्म सबसे अच्छा धर्म होता है, लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, ये हमारे नेचर में होना चाहिए, जिससे हम लोगों की एक सहज तरीके से लोगों से हिल मिल जा सके और लोगों की सहायता कर सके, ठीक है। और इसके साथ निःशुल्क दूध वितरण किया जाता है, स्वयं सेवा यानी स्वयं के लिए सहायता करना, दूसरों की सहायता करना, इस तरीके से काम यहाँ पर कराए जाते हैं रेड किसके माध्यम से, यहाँ पर रेड क्रॉस के माध्यम से। तो ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद करना था। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। देखिए यहाँ पर जितनी भी लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है, सारी लाइन आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर बस वही उतना ही लिखा जाता है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं सारी चीज़ें लगभग जो होता है वो ओरल में बता देती हूँ, डीप में बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरे वीडियो में बने रहना है, पूरे वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है, यहाँ पर जुड़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी अपनी घर बैठे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय में जस्ट मैंने बताया जो पूरे विश्व स्तर पर चलाए जाते हैं, पूरे विश्व यानी विश्व जितने देश है वहाँ पर चलाए जाते हैं ये कार्यक्रम। अब यहाँ पे पहला आता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और ये सर्वो यानी पूरे जन स्वास्थ्य के द्वारा, जन समूह के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। यानी लोगों के द्वारा, जन समूह के द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना ही WHO का उद्देश्य है, और इसका मुख्यालय भारत में कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और वैसे इसकी जो स्थापना की गई थी 1948
1947 में, तो इसका मुख्यालय न्यू यॉर्क में, हमारे भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, क्योंकि WHO क्या एक विश्व स्तर के संगठन है, ये पूरे विश्व में चलाए जाते हैं। तो हमारे भारत में इसका कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, नई दिल्ली से किया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताता है, कैसे हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, और इसके साथ साथ परिवार में व्यवहार करने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, आर ओवर की चीज़ें की जानकारी WHO के द्वारा दी जाती है। रोगों के बचाव के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की जाती है, रोगों से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताया जाता है। वातावरणीय स्वास्थ्य, यानी वातावरण का स्वास्थ्य कैसा है, यानी वातावरण के तरीके से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, अपने वातावरण पर साफ सफाई रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, जिससे हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ सार्वजनिक या सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये सब चीज़ों की जानकारी WHO के माध्यम से दी जाती है, और ये लोगों के हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम जो है चलाता है, उसके लिए वे काम करता है। ये हो गया WHO। अब आता है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी, लेकिन हमारे भारत में 1949 में की गई, और इसकी स्थापना तब की गई है कि जब ये इमरजेंसी लागू हुआ था, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अब यहाँ से इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है, अब यहाँ पर ये स्थापना यूनिसेफ आज भी ये काम कर रहा है, और इसकी स्थापना 46 में हुई थी, लेकिन हमारे भारत में जो काम कर रहा है ये 1949 से हमारे भारत में ये काम कर रहा है। कई काम करता है, क्या क्या, मातृ शिशु कल्याण, यानी माताओं का देखभाल, शिशुओं का देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित दुग्ध चूर्ण का वितरण करना, रोगों पर नियंत्रण करना, जिससे महामारी फैली हुई, संक्रामक रोग फैले हुए उसके लिए भी काम करता है। आपातकालीन सेवा, जैसे आपातकाल में किसी को सहायता देना, आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता, ये सब उनको सहायता देना है, तो उसके लिए हमेशा यूनिसेफ तत्पर रहता है, ये काम उस पर करता रहता है। इसके साथ साथ ये लोगों को भारत में प्रशिक्षण देने का काम करता है, वैक्सीन प्रोवाइड करता है, विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, ये जो भयानक संक्रामक रोग होते हैं उसके लिए भी ये वैक्सीन या टीका देने का काम करता है, उसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं देने का काम करता है हमारा यूनिसेफ। अब हम आते हैं लास्ट में केयर। तो केयर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, केयर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, तो केयर क्या है, गैर सरकारी संगठन है, केयर एक गैर सरकारी संगठन है, और ये भारत में देखिए वैसे इसकी स्थापना केयर की जो भारत में इसकी स्थापना की गई थी 1950 में की गई थी, लेकिन अब 50 से ये काम कर रहा है, लेकिन मिड डे मील स्कीम जो आई है वो 1961 में केयर के द्वारा शुरू किया गया था भारत में, 1961 में केयर के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। और ये जो है जो केयर होता है, अमेरिका की जो कंपनी है USAID, इसके द्वारा ICDS को ये हेल्प करता है, ICDS को ये क्या करता है उनको, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, जो बच्चों को के और माताओं को क्या करता है, हेल्प करने का, स्वास्थ्य सेवा देने का काम करता है, ये हमारा कौन, ये हमारा केयर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पोषण स्तर को सुधार करने का भी काम करता है केयर। तो याद रखना, मिड डे मील किसके द्वारा शुरू किया गया था, केयर के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1961 में शुरू किया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके। और इसके साथ साथ भारत में केयर कब से काम कर रहा है, 1950 से भारत में काम कर रहा है, ये बच्चों और माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने का काम करता है। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, पहला क्वेश्चन आपका बनता है किसी भी संस्था से, क्या बनता है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ का, केयर का, ICDS का, ICMR का, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई थी। तीसरा, इसका मुख्यालय क्या है। और चौथा बनता है कि इसका क्या काम है, कि इस पर किस क्षेत्र पर ये काम कर रहा है। बस यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही केवल आपको नोट्स बना लेना है, और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब ये चीज़ें मैंने आपको सीरीज 2 में बताया, अब सीरीज 3 में मैं आपको बताऊंगी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या योजनाएं सरकार स्वास्थ्य चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और राज्य सरकार के द्वारा क्या योजनाएं चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो हमें कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और यहाँ पे जुड़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से आपके लिए एक जुनून है, एक जज्बा है हमारी तरफ से और आपकी तरफ से भी हमें ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि आपने जी जान से लगे हुए हैं, जी जान से अपने काम को कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो पहले आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिलेगी। एक बार फिर से धन्यवाद।